करा तुम ओके वेलकम बच्चों गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी सभी का आज के इस क्लास में जो बृहन मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग से आयोजित है जो कि ऑनलाइन शिक्षण उपक्रम 2020 में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आपके सामने जो आज प्रस्तुत होने जा रहा हूं तो मेरा नाम भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए इसलिए मैं आज थोड़ा अल्प परिचय देना चाहता हूं मेरा नाम है करडक मुरलीधर बबन सहायक शिक्षक बीएससी बीएड क्वालिफिकेशन बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग में मोतिशाल लेन मनपा माध्यमिक हिंदी शाला माजगांव स्थित पिछले तीन साल से गणित भाग वन और भाग टू का अध्यापन जारी है चलो आइए आज हम विद्या को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज हमें क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में सब हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो चलो बच्चों आज का सेशन शुरू करते हैं तैयार हो जाइए देखो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित भाग वन आप लोगों को तो मालूम है दो भाग होते हैं एक भाग वन और दूसरा भाग टू तो आज फिलहाल हम गणित भाग वन कक्षा दसवीं का दूसरा चैप्टर आप सभी बच्चों को दूसरा चैप्टर का नाम तो मालूम ही होगा वर्ग समीकरण बहुत महत्वपूर्ण ये चैप्टर है और बहुत आसान भी है आपको इजी से वो मार्ग भी दे सकता है बोर्ड के लिए तो चलो आइए जानेंगे आज हमें क्या क्या पढ़ना है हर एक टॉपिक पे ऊपर हमें क्या क्या चर्चा करनी है कौन कौन से टॉपिक है उसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है कौन कौन से सवाल आ सकते हैं ये आज हम लोग इस पूरे सेशन में आपके सामने में रखने का एक पूरा पूरी कोशिश करूंगा तो देखेंगे पहला पॉइंट वर्ग समीकरण का परिचय तो जो हमारा चैप्टर का नाम है बच्चों वर्ग समीकरण उसका परिचय क्या है परिचय यानी उसकी परिभाषा क्या है उसे वर्ग समीकरण ही क्यों कहा गया है कब उसे वर्ग समीकरण कहते हैं कब उसे रेखीय समीकरण कहते हैं ये सब परिचय में आएगा परिभाषा में आएगा इसके बाद है वर्ग समीकरण का मानक रूप, मानक रूप, रूप यानी स्टैंडर्ड ऑफ कि वर्ग समीकरण किस स्वरूप में होता है रैखिक समीकरण किस स्वरूप में होता है ये पिछली चर्चा में पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की है आज हम चर्चा करेंगे कि वर्ग समीकरण का स्टैंडर्ड रूप कैसा होता है और उसे कैसा लिखा जाता है मानक रूप उसके बाद वर्ग समीकरण के हल या मूल हर वर्ग समीकरण के कुछ सॉल्यूशंस या कुछ रूट्स होते हैं हल सॉल्यूशंस होते हैं तो वो किस प्रकार के हैं किस तरह हम उसे वर्ग समीकरण में रखे उसको संतुष्ट करेंगे वो भी आज हम आज देखने वाले हैं पढ़ेंगे उसके बारे में और ये सभी के ऊपर जो डिपेंड है हमारा प्रश्न संग्रह टू पॉइंट वन पेज नंबर चौतीस पे है हमारे बुक में ये सभी ये आपके सामने जो पॉइंट्स रखे हैं मैंने फिर से मैं दोहरा देता हूं वर्ग समीकरण उसकी उसका परिचय देखना है उसके बाद वर्ग समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म उसके बाद वर्ग समीकरण के हल या मूल और इसके ऊपर पूरा डिपेंड है हमारा प्रश्न संग्रह 2.1 तो वर्ग समीकरण यह चैप्टर शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा आपका ब्रेन वॉश करना पड़ेगा आप बोलेंगे सर ये ब्रेन वॉश क्या है अभी ब्रेन वॉश यानी हमें कुछ थोड़ा याद करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी जो चैप्टर होता है जो अगर दसवीं में है तो उसका कुछ ना थोड़ा बहुत जो हिस्सा होता है वो पहले आपको पढ़ा पढ़ाया जा चुका होता है जैसे नवी में विद्यार्थी मित्रों कक्षा नवी में हमने बहुपद का अध्ययन किया था बहुपद, पॉलीनोमियल उसे कहते हैं इंग्लिश में पॉली तो नवी कक्षा में हमने थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा की थी तो वो क्या चर्चा थी वो भी हमें जानना जरूरी है क्योंकि वो अगर आप लोग जानोगे तो ही उसके बाद आपको पता चलेगा कि वर्ग समीकरण मतलब क्या होता है उसकी परिभाषा क्या है कंसेप्ट आपको समझना है खाली रटना नहीं है तो चलो शुरू करते हैं बहुपद। चैप्टर का नाम बहुपद नहीं है बच्चों लेकिन इस बहुपद से हम लोग वर्ग समीकरण की तरफ कैसे जाएंगे यह आपको यहां देखना है अच्छे से देखना है तो इस बहुपद में देखो मैंने यहां दो एग्जाम्पल लिए तीसरा घात और एम मैंने पिछले लेक्चर में आप सभी बच्चों को कहा था कि बहुपद में दो और तीन पॉइंट्स होते हैं पहला होता है चर चर यानी वेरिएबल वेरिएबल यानी उसका जो मान है वो अनिश्चित होता है हमें उसका मान निश्चित नहीं मालूम होता अनिश्चित होता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं गणित में बीजगणित में अंकों के बदले जो अंग्रेजी के वर्णाक्षर है उनका हम इस्तेमाल करते हैं तो यहां मैंने दो लिखे हैं X का तीसरा घात और M। अब यम का कुछ तो कुछ घात है वो है एक लेकिन लिखा नहीं जाता बच्चों इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है गुणांक गुणांक यानी उस चर पद को चर को जोड़ने वाला गुणांक के स्वरूप में होता है वो गुणांक होता है बच्चों वो आगे होता है उसके एक्स क्यूब है उसके आगे यानी वह कुछ लिखा नहीं है इसका मतलब वह एक है यम के आगे भी एक है यम के सर पर यानी घात भी उसका क्या है एक है ये कॉमन चीजें है ये बेसिक नॉलेज है जो हमने नवी कक्षा में पढ़ा है दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं प्लस और D 4. अब माइनस दो एग्जाम्पल में ऊपर और नीचे वह ऊपर मैंने एक एक पद लिए एक पद एक पद यहाँ दो पद लिए है वाई वर्ग प्लस पांच वाई यानी ये दोनों को जोड़ा है प्लस से दो पद जोड़े हैं या वाई वर्ग और पाँचवाय ये दोनों ये दो पद जो है ये मैंने जोड़े हैं प्लस के माध्यम से और दूसरा है डी माइनस चार डी और चार को घटाया है यानी माइनस किया है दो पद लिखे हैं यहां इसके बाद है तीसरा देखो थ्री एक्स क्यूब यानी घन माइनस थ्री एक्स प्लस टू ये पहला एन स्क्वेयर माइनस थ्री एन प्लस वन ये जो तीसरा जो एग्जाम्पल है उसमें दो से अधिक पद है यानी तीन पद है एक बार प्लस किया है एक बार माइनस किया माइनस किया है और एक बार प्लस किया है तो ये जो बहुपद के बहुत सारे मैंने यहां एग्जाम्पल लिखे हैं तो पहले एग्जाम्पल में एक एक पद लिया है दूसरे एग्जाम्पल में दो दो पद लिए है और तीसरे एग्जाम्पल में तीन पद लिए है तो इस बहुपद के जो प्रकार पड़ते हैं तो उसके उसमें कितने कुल पद है टोटल पदों की संख्या कितनी है उस पदों के ऊपर हमारा ये बहुपद का प्रकार डिपेंड होता है बच्चों तो पहले एग्जाम्पल में देखो एक्स क्यूब और एम यहाँ कुल कितने पद है बच्चों एक ही पद है कौन सा पद एक्स क्यूब और एम ये एक ही एग्जाम्पल नहीं है ये अलग अलग एग्जाम्पल है बॉक्स अलग अलग है तो एक्स क्यूब में एक ही पद है और यम में भी एक ही पद है कुल पद है टोटल कुल पद है वन और इसलिए इसे कहा गया है एक पदी क्योंकि इसमें इस बहु सॉरी पदी बहुपद में केवल एक और एक ही पद का इस्तेमाल किया है इसलिए इसे एक पदी कहा गया है उसके बाद है दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखो दो पदों का यह उल्लेख किया गया है और इसलिए इसे कहा गया है द्वि पदी क्या कहा गया है बच्चों द्विपदी द्वि द्वि यानी दो दो पद एक दूसरे में आपस में जुड़े हैं प्लस माइनस से और कुल पद है दो और इसलिए इस प्रकार का नाम है द्विपदी इसके बाद तीसरा तीसरा पद टोटल कुल पद है तीस तीन यानी एक बार माइनस एक बार प्लस ऐसे करके एक बहुपद को यह लिखा है तीसरे एग्जाम एग्जाम्पल में और उसमें कुल पद है तीन तीन पद कौन से देखो यहां थ्री एक्स क्यूब ये पहला पद माइनस थ्री एक्स ये दूसरा पद प्लस टू ये तीसरा पद मतलब टोटल कुल कितने पद हो गए तीन इसलिए इसे कहा गया है त्रिपद इस तरह ये हमें हम लोगों ने नवी कक्षा में बहुपद नामक चैप्टर में ये सब डिस्कशन किया था वो आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि इससे ही जुड़े जुड़ा हुआ आगे का पार्ट है ये वर्ग समीकरण तो आइए कुछ और थोड़ा सा याद करते हैं देखो बहुपद में यहां मैंने एक एग्जांपल लिखा है एक्स प्लस थ्री और एम वाई स्क्वेर प्लस फाइव वाई और दूसरा है डी स्क्वेयर और तीसरा है थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू और एन क्यूब अब यह आपको पदों के ऊपर चर्चा नहीं करनी है आप आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो चर है चर यानी अल्फाबेट्स अंग्रेजी के जो अल्फाबेट है उसके ऊपर ध्यान रखना है और उसका घात या कोटी घात या सबसे बड़ा जो अंक होता है चरंक, का जो कोटी होती है सबसे बड़ी वो उसका घात होता है तो वो जो घात है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है तो बहुपद के प्रकार दो दो स्तर से पढ़ते हैं एक होता है उसके कुल पदों के अनुसार और दूसरा होता है उसके कोटि और घात के अनुसार इसमें बहुपद के कोटि के अनुसार होने वाले प्रकार का अध्ययन करेंगे एक चरांक वाले जिस बहुपद की कोटि एक होती है उसे क्या कहते हैं और कोटी दो होती है तो उसे क्या कहते हैं यह जानना बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है आइए देखते हैं तो जो पहले एग्जाम्पल का जो घात है कोटी है वो देखो एक्स प्लस तीन और एम एम का घात एक है और X का कोटी भी एक है घात और कोटी एक ही शब्द है तो एक्स का भी घात एक है और एम का भी घात एक है तो इस इस घात कि, कितना घात है उसका एक है दो है तीन है इसके ऊपर उसका प्रकार निर्भर होता है तो पहला प्रकार देखो बच्चों एक कोटि है एक घात है तो उसको कहते हैं बहुपद मतलब एक चरांक वाले जिस बहुपद की कोटि एक होती है उसे रेखीय बहुपद कहा जाता है फिर से बोलता हूं मैं एक चरांक वाले जिस बहुपद की कोटि एक होती है उसे रेखीय बहुपद कहते हैं क्योंकि इसकी कोटी कितनी है एक है और एक ही चरांक का इस्तेमाल किया है दूसरा है दूसरे में देखो घात है दो देखो y का दूसरा घात और इधर d का दूसरा घात d स्क्वेयर और पहले में है y स्क्र प्लस फाइव वाई तो यहाँ घात और कोटी कितनी है बच्चों दो इसलिए इसे कहा गया है वर्ग बहुपद बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और यही हमें जानना है आज जो हमारे चैप्टर का नाम जो है वर्ग समीकरण तो इस शब्द के ऊपर आपको बहुत महत्व जोर देना है बच्चों वर्ग बहुपद उसका घात कितना है यहां दो देखो बोल्ड करके रखा है वाई स्क्वेयर प्लस फाइव वाई और डी वर्ग यानी जो चर दिए है एक चर जो आपको दिख रहा है एक है वाय और दूसरा है डी और इस चरों का चरों का घात जो है वो है बच्चों दो और इसलिए इस बहुपद को कहते हैं वर्ग बहुपद यानी एक चरांक वाले जिस बहुपद की कोटि दो होती है उसे <coughs> द्विघात यानी वर्ग वर्ग बहुपद कहते हैं सॉरी अगला है तीसरा देखो घात है कोटि है तीन तीसरा जो हमारा एग्जांपल है थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू एंड क्यूब ये जो दो दो, दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है यह उसका जो घात है वो कितना है बच्चों है तीन है और उसी को कहते हैं घन बहुपद घन यानी तीन तो यह हमें ध्यान देना है कि रेखीय बहुपद जो एक नंबर वाला है वो हम लोग पढ़ चुके हैं जो पहले चैप्टर में दो चरांक वाले रेखीय समीकरण जो है वो इसी के संबंधित है रिखीय बहुपद दूसरा है जो ब्लू कलर में लिखा है दो उसके बारे में ही आज हमें चर्चा करनी है और उसे कहते हैं वर्ग बहुपद और तीसरा जो रेड़ है वो हमें पढ़ना नहीं है लेकिन दो से दो या दो से अधिक पदों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं यह आपको दिखाया गया है तो चलो आगे वर्ग समीकरण का परिचय अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है वर्ग बहुपद पढ़ा है वर्ग बहुपद नॉट वर्ग समीकरण अब वर्ग समीकरण समीकरण एक नया शब्द आया है इससे पहले अभी अभी हमने क्या देखा वर्ग बहुपद और अभी हमें क्या पढ़ना है वर्ग समीकरण बहुपद और समीकरण इन दोनों में क्या फर्क है वो अभी हम यहाँ जानेंगे देखो यहां मैं कुछ सवाल देता हूं फिर से थ्री एक्स वर्ग माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो बच्चों इससे पहले जो वर्ग बहुपद बो, आपके सामने मैंने जो एग्जाम्पल रखे थे वहां मैंने ये जीरो नहीं लिखा था राइट right साइड में समीकरण का अर्थ ही होता है उसमें दो बाजू होती है एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड तो दूसरा एग्जाम्पल है थ्री एक्स वर्ग माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू जीरो और तीसरा है थ्री एक्स वर्ग प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो और चौथा एग्जाम्पल है माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो अब ये चार ही एग्जाम्पल आपके सामने मैंने जो रखा है आपको थोड़ा सा ध्यान देना है उसकी कोटी पर घात पर सभी जगह एक ही चर का इस्तेमाल हुआ है एक उस एक ही चर का यह ज्यादातर इस्तेमाल किया है अब उस चर का जो चर है उसका घात यानी कोटी कितनी है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है और दूसरा ये है कि राइट right साइड में उसका मान कितना दिया है बच्चों जीरो यानी बाई तरप, बाई तरफ तरफ जो गुना वर्ग प्लस माइनस जो भी किया है उसका सब मिला के आंसर कितना आना चाहिए बच्चों वो है जीरो यानी साइड यानी राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट व... लेफ्ट में जो भी अंक दिए हैं, जो भी चर दिए हैं, वो सब मिला जुला कर उसकी गणितीय प्रक्रिया करके उसका आंसर जीरो आना चाहिए उसका मान जीरो होना चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा वर्ग बहुपद और राइट हैंड साइड में दिखेगा जीरो, मतलब वर्ग बहुपद का मान कितना होना चाहिए बच्चों जीरो होना चाहिए तब हम उसे कहेंगे वर्ग समीकरण फिर से ध्यान दीजिए बच्चों याद देखो जिस वर्ग बहुपद का मान शून्य होता है बच्चों जीरो होता है वर्ग बहुपद का मान कितना होता है शून्य होता है उसे वर्ग समीकरण कहते हैं और यहां कौन से वर्ग समीकरण है तो उदाहरण नंबर एक उदाहरण नंबर दो और उदाहरण नंबर तीन ऐसे टोटल कुल तीन जो ऊपर के तीन जो है वही वर्ग समीकरण के जो नियम है वो फॉलो करते हैं इसलिए उसे कहते हैं वर्ग समीकरण के कुछ एग्जाम्पल अब यहां मैंने चौथा नहीं लिखा है चौथा वर्ग समीकरण नहीं है क्यों नहीं है इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए है तो क्यों है क्योंकि वो जो परिभाषा दी है वर्ग बहुपद का जो मान है शून्य है वो बराबर है लेकिन जो चौथा है वह देखो <coughs> माइनस फाइव एक्स घात देखो बच्चों वहा <coughs> उसका घात जो है वो एक है वहाँ कुछ लिखा नहीं है इसका मतलब क्या है उसका घात जो है बच्चों वो एक है और हमें हमें घात कितना चाहिए द्विघात होना चाहिए यानी स्क्वेयर होना चाहिए सबसे बड़ा सबसे बड़ा घात या कुटी कितनी होनी चाहिए दो होनी चाहिए ना तीन होना चाहिए ना एक होना चाहिए हमें केवल केवल दो होना चाहिए सबसे बड़ा घात और यहाँ चौथे एग्जाम्पल में माइनस पांच एक्स जो एक्स दिख रहा है उसका जो घात है वो हमें एक ही दिखाई दे रहा है वह लिखा नहीं जाता लेकिन वह कितना होता है एक घात होता है इसलिए चौथा जो एग्जाम्पल है वो वर्ग समीकरण नहीं है तो मैं फिर से आप लोगों को गुजारिश करता हूं ये पढ़ने की और याद रखो हमेशा इसे जिस वर्ग बहुपद वर्ग बहुपद का मान शून्य होता है जीरो होता है उसे वर्ग समीकरण कहते हैं और यही हमारे आज की चर्चा करने का टॉपिक है वर्ग समीकरण देखो गणित भाग वन दूसरा चैप्टर जिसका नाम है वर्ग समीकरण और उसका हमने परिचय ले लिया है अब इस बहुपद का मानक रूप वर्ग समीकरण का नहीं बहुपद का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म देखो जब बहुपद को चरांकों के घात के अवरोही क्रम में लिखते हैं तो वही उसका मानक रूप होता है बच्चों अब अवरोही क्रम मतलब क्या होता है देखो जो मानक रूप होता है वो हमेशा घात के आधार पर लिखा जाता है तो जो घात होता है वह अवरोही क्रम में लिखा जाता है और उसके बाद जो होगा वो होता है उसका मानक रूप तो अवरोही क्रम यानी घटते क्रम से यानी पहला कौन आएगा बड़ा फिर छोटा फिर छोटा यानी ऐसा घटते क्रम से जो लिखते हैं वो होता है अवरोही क्रम तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है आपको समझने के लिए देखो तीन एक्स वर्ग एक्स प्लस तीन। तो पहले जो आ, सर्कल किया है उसमें देखो घात दो है उसे घातांक कहते हैं दो जो पहला चर है उसका घातांक दो है दूसरा जो एक्स दिखाई दे रहा है बच्चों उसका घातांक वहा एक है लेकिन बच्चों एक कभी लिखा नहीं जाता लेकिन आपको दर्शाने के लिए आपको समझाने के लिए वह मैंने एक लिखा है और तीसरा पद जो होता है बच्चों अचरांक होता है अचरांक यानी होता है उसका मान बदलता नहीं वो ऐसा तीसरा है तो ये उस, इसे क्या कहते हैं घातांक कहते हैं उसके बाद देखो जो तीन है तीन एक्स जो चर के सामने लिखा गया है वो गुणांक है पहले में है प्लस तीन माइनस फाइव और तीसरा है अचरांक यानी वो उसके साथ कोई जुड़ा नहीं होता चरांक अचरांक है वो खुला होता है उसे कोई जुड़ीदार नहीं है कोई चर जोड़ीदार नहीं है तो यहाँ तीन से हमें याद रखने के लिए घातांक गुणांक और अचरांक और इस तीन शब्दों के ऊपर ही हमारा मानक रूप कैसे तैयार होता है देखेंगे हम आगे वर्ग समीकरण का मानक रूप जब वर्ग समीकरण को चरांक के घात के अवरोही क्रम में लिखते हैं तो वही उसका मानक रूप होता है अब यह एग्जाम्पल के बदले हमने यह कुछ अंग्रेजी के कुछ अल्प इट्स लिए हैं स्मॉल वाले देखो ए एक्स वर्ग प्लस बी वाई सी इज इक्वल टू जीरो वर्ग समीकरण का मानक रूप है स्टैंडर्ड फॉर्म है अब यहां ए बी सी क्या है यहां एक्स और वाई ये दोनों चरांक है और पहले चर का जो घात है सबसे बड़ा घात होना चाहिए दो और ए बी सी ये वास्तविक संख्या है वास्तविक संख्या है और, और ए की टाइम में जीरो नहीं हो सकते ये ध्यान में रखना है देखो ए बी सी ये वास्तविक संख्या है जिसमें ए शून्यतर वास्तविक ये शून्यतर शून्यतर यानी छोड़ के जो भी है one, two, three, four, जो भी है शून्यतर शून्य नहीं होना चाहिए ये वास्तविक संख्या है तो आपको किसी ने अगर पूछा कि वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या है बच्चों तो ये आपके सामने रखा है यहां मैंने ए एक्स वर्ग प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू तो चलो अभी हम चलते हैं आगे हमारा जो दूसरा पॉइंट है one, जो प्रश्न संग्रह है जो अभी तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा है उसके बारे में फिर से एक बार चर्चा करते हैं हमने पहले देखा है वर्ग समीकरण का परिचय क्या है उसके बाद वर्ग समीकरण का मानक रूप और वर्ग समीकरण का हल जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं तो आज जो प्रश्न संग्रह 2.1 है पेज नंबर चौतीस उसके उसमें पहला सवाल है जो आपके सामने में रखा है कोई भी दो वर्ग समीकरण लिखिए स्क्रीन आड़वी तरह नजर है आ, वो भी जाली स्क्रीन आता नाही अशी आडवी तिला सरळ करा सरळ ठीक है बच्चो मोबाइल जरा हरिजंटल रखी है आप लोग आपके सामने या देखो कोई भी दो वर्ग समीकरण लिखने के लिए आपको कहा है तो वर्ग समीकरण में हम लोगों ने ये देखा है कि दो बाजू होती है एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक होते ही एक होता है आ, राइट हैंड साइड तो यह देखो थ्री पी टू थ्री पी स्क्र इज इक्वल टू झीरोम स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो और ए स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो अब यहां दो साइड लिखा है मैंने एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में क्योंकि वर्ग बहुपद का हमने क्या कहा था वर्ग समीकरण के परिभाषा में कि जिस वर्ग बहुपद का मान शून्य होता है तो हम लेफ्ट साइड में वर्ग बहुपद लिखेंगे और राइट right साइड में क्या लिखेंगे जीरो क्योंकि उसका मान कितना होता है बच्चों जीरो तो यह हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू जीरो और यह आप कितने भी पद ले सकते हैं एक पद ले सकते द्विपद ले सकते तीन पद ले सकते कितने भी पद ले सकते बच्चों लेकिन थ्री पी वर्ग प्लस फाइव इक्वल टू जीरो माइनस टेन एम इज इक्वल टू झीरो और ए स्क्वेयर प्लस सोलह इज इक्वल टू जीरो ये तीन एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखे हैं, आप कौन से भी दो लिख सकते हैं इसमें से दूसरा सवाल है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन से समीकरण वर्ग समीकरण है अब वर्ग समीकरण कौन से जो जो हमारे सामने जो एग्जाम्पल आएंगे अभी ये ये जो एग्जाम्पल है टोटल छ ये आप लोगों को इसमें से कौन से वर्ग समीकरण है या नहीं ये बोर्ड में पूछा जाता है वो क्यों है क्यों नहीं है ये नहीं पूछा जाता लेकिन सिंपल पूछा जाता है, है या नहीं एक मार्क के लिए लेकिन आपको तो मालूम होना चाहिए उसे क्यों वर्ग समीकरण कहा गया है और क्यों नहीं तो पहली कंडीशन हमारी यही है कि चर का जो घात है सर्वोत्तम वो कितना होना चाहिए दो होना चाहिए और उसमें जो ए है पहला वो शून्य नहीं होना चाहिए अब यहां देखो हम सब एग्जाम्पल नहीं लेंगे हम जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये तीसरा वाला ये लेंगे वाई स्क्वेयर प्लस वन अपॉन वाईल टू टू या देखो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था एक्स वर्ग प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में ये नहीं है पहले हमें उस उसी फॉर्म में उसे करना पड़ेगा वाई स्क्वेयर है लेकिन प्लस वन अपॉन वाई है तो जो y का जो घात है नीचे वाले y का वो माइनस वन है हमें उसे क्या करना पड़ेगा परिमेयकरण करना पड़ेगा तो उसे किस तरह हम हल करेंगे तो यह देखना जरूरी है y स्क् प्लस वन अपॉन y इज इक्वल टू टू तो यह जो हर में जो y है वो दोनों पक्ष में y से क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा दोनों पक्षों से यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉरी बच्चों थोड़ा सा मेरे पीठ टूटी आई क्या देखो बच्चों सॉरी दोनों पक्षों में y से गुणा करने पर क्योंकि ये जो y है जो हर है हर में है उसे क्या करना है हमें दोनों पक्षों से गुनना है तो क्या आएगा y -square जैसे के वैसे प्लस वन अपॉन इक्वल टू टू ऊपर वाला समीकरण लिख लिया है और उसे देखो दोनों पक्षों में y से गुना किया है तो यह देखो y y कैंसिल हुआ और यहाँ क्या बचा पहले में y का तीसरा घात क्योंकि यहाँ y का पहला घत है तो दो और एक कितना हुआ तीन प्लस ये वन बचा इज इक्वल टू टू वाई अब इसको एक एक स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे तो ये देखो y क्यूब उसके बाद माइनस टू वाई पक्षांतर हुआ प्लस वन इज इक्वल टू जीरो क्योंकि हमारी राइट right बाजू जीरो चाहिए अब ये एक्स वर्ग प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में हुआ है कि नहीं।, नहीं हुआ है क्योंकि पहला ही पॉइंट हमारा ये है ए एक्स वर्ग है मतलब हमें घात कितना चाहिए बच्चों दो होना चाहिए सबसे बड़ा घात कितना होना चाहिए दो होना चाहिए यह घात तीन है इसलिए ये वर्ग समीकरण नहीं है y का घात सबसे बड़ा है तीन और हमें कितना चाहिए दो इसलिए ये वर्ग समीकरण नहीं है बच्चों ये ध्यान रखना है यहाँ क्योंकि हमारे वर्ग समीकरण में सबसे बड़ा घात दो ही होता है ना एक होता है ना माइनस होता है ना प्लस होता है माइनस एक नहीं होता है तीन नहीं होता है हमें कितना चाहिए दो अब आते हैं अगला सवाल निम्नलिखित समीकरण ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इस स्वरूप में लिखिए ये एक मार्क या दो मार्क लिए आता है बच्चों एग्जाम में कि जो भी आपको एग्जाम इस फॉर्म में लिखते हैं और ये फॉर्म कौन सा है हमारा स्टैंडर्ड मानक स्वरूप है ये तो देखो यहाँ भी छह तो इसमें से हम दूसरा सवाल करेंगे ताकि वो आपको समझने में आसानी होगी देखो ब्रैकेट में x माइनस वन स्क्वेर ब्रैकेट का स्क्वेयर इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री अब इसको हल करना है हमें पहले, इस पहले ब्रैकेट को क्या करना है सॉल्व करना है तो देखो पहले ब्रैकेट का हल एक्स अब टू एक्स प्लस क्योंकि ये दो बार ब्रैकेट है वन, वन. तो एक्स माइनस एक एक्स एक, एक फिर से एक माइनस एक्स दो एक्स और एक का वर्ग एक इसके बाद बराबर टू एक्स प्लस थ्री उसके नीचे स्टेप एक्स स्क् माइनस टू एक्स प्लस वन अब ये पक्षांतर हुआ जो राइट साइड में है हमने उसे लेफ्ट साइड में ले लिया प्लस है तो माइनस है प्लस तीन है तो माइनस हो गया पक्षांतर में और बचा राइट साइड में जीरो अब यहां हमें कुछ सजातीय पद एकत्रित करने हैं उनको जोड़ना है तो याद देखो एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स क्योंकि सजातीय पद है और प्लस वन और माइनस तीन घटाएंगे तो माइनस दो आएंगे इज इक्वल जीरो तो यह हमारा एक नया एक समीकरण तैयार हुआ है वर्ग समीकरण एक्स वर्ग माइनस चार एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और ये हमारा ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के मानक जो मानक फॉर्म है जो मानक रूप है उस स्टैंडर्ड फॉर्म में है अब यह हमें ए ए का मान क्या है एक है ये देखना है ए का मान एक है बी का मान माइनस चार है और सी का मान यानी अचरांक कितना है माइनस दो तो बच्चों ये जो है ये मैंने यह पॉज करके रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि ये अगर आपको आएगा तो ही आपको आगे जो पद्धति है वर्ग समीकरण सॉल्व करने की वो ये आपको अच्छे से समझ में आएगी तो यह देखो ए बराबर एक बी बराबर माइनस चार और सी बराबर माइनस दो इसकी वैल्यू है तो इसी जो जो तीसरा एग्जाम्पल था निम्नलिखित समीकरण x वर्ग प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो इस रूप में ये छह जो एग्जाम्पल है ये आप होमवर्क में भी कर सकते हैं बच्चों बहुत आसान है अब आइए हमारा तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक था कि वर्ग समीकरण के हल या मूल किसे कहते हैं देखो यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेंगे एग्जाम्पल लेने के बाद आपको समझ में आएगा कि किसे हल कहते हैं और किसे हल नहीं कहते एक एग्जांपल लिया है आपके सामने एक्स वर्ग प्लस एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो और कहा गया है कि एक्स का जो मान है जो चर है उसकी वैल्यू उसका मान एक दो और तीन रखने के बाद क्या होता है वो देखना है चलो तो देखेंगे तो देखो पहला x बराबर एक रखने पर x की जगह आपको जहां जहां एक दिखाई देगा वहां आपको क्या रखना है एक रखना है तो देखो मैंने पहले में रखा है एक वर्ग यानी एक स्क्वायर प्लस फाइव गुना एक क्योंकि फाइव गुना एक्स प्लस सिक्स उसके बाद एक का वर्ग एक पांच गुना एक पांच प्लस छ और सबको जोड़ा जाए तो कितना होगा बारह और ये जो बारह हमारी होनी चाहिए थी लेकिन कितनी हमारी दाइनी साइड जीरो हमेशा जीरो ही होती है वर्ग समीकरण में और यह हमारा आंसर कितना आया है वर्ग बहुपद का लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना आया है बारह इसलिए ये जो x बराबर एक है ये x वर्ग प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल इज़ इक्वल टू तो झीरो का मूल नहीं है क्योंकि यह राइट हैंड साइड इज इक्वल टू तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसा आना चाहिए यानी लेफ्ट हैंड साइड का गुना भाग वर्ग करके जो भी है वो आपको जीरो आना चाहिए और राइट साइड तो हमारी झीरो ही होती है तो देखो दूसरा एग्जाम्पल में आपको पता चलेगा किसे हल कहते हैं अब हम क्या करेंगे x बराबर माइनस दो रखेंगे तो यह देखो माइनस दो रखा है x का मान जो है वो माइनस दो रखा है प्लस देखो नीले ब्लू कलर में जो रखा है वो मैंने माइनस टू की वैल्यू रखी है अब इसे अगर हम लोग हल करेंगे देखो x बराबर माइनस टू रखने पर माइनस टू का वर्ग प्लस फोर ही होता है क्योंकि गुने में माइनस माइनस प्लस उसके बाद पांच गुना दो माइनस दो माइनस दस प्लस छ और चार और छाइनस दस, दस दस में से दस गए तो यह बचते हैं जीरो तो यह देखो जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी वर्ग बहुपद वो कितना आया है जीरो ताकि हमारी राइट हैंड साइड कितनी थी राइट हैंड साइड जीरो मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो भी है आंसर वो कितना आना चाहिए जीरो क्योंकि हमारी ले, 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 राइट हैंड साइड कितनी है जीरो है तो यानी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड जब आता है तब वो उसका हल होता है मूल होता है हल और मूल एक ही है हल और मूल एक ही है तो ये इसका मूल है अब एक्स बराबर माइनस तीन रखने पर क्या आता है वो देखेंगे हम यहाँ एक्सक्स प्लस सिक्स में एक्स बराबर माइनस तीन रखने पर तो देखो, में मैंने रखा है माइनस थ्री माइनस माइनस तीन का वर्ग नौ माइनस पंद्रह प्लस सिक्स नीचे पंद्रह माइनस पंद्रह नौ और पंद्रह और माइनस पंद्रह पंद्रह में से पंद्रह गए जीरो तो यह भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वर्ग बहुपद उसका भी वैल्यू कितना आया है जीरो और हमारी राइट right साइड भी कितनी है Zero. इसलिए राइट हैंड हैंड साइड साइड इज़ इक्वल टू लेफ्ट इस तरह एक्स बराबर माइनस तीन ये उस दिए हुए वर्ग समीकरण का मूल है बच्चों तो आप लोगों को समझा होगा कि किसे वर्ग समीकरण वर्ग समीकरण का हल कहते हैं और किसे नहीं अब यह देखो x बराबर माइनस टू जो हमने हल रखा मान रखा था तो ये उसका मूल है क्योंकि उसका आंसर जीरो आता है और x बराबर एक ये उसका मूल नहीं है क्योंकि उसका आंसर बारह आया था ओके तो चरांकों के जिन मानव के लिए समीकरण संतुष्ट होता है उसे ही समीकरण का हल कहते हैं बच्चों फिर से पढ़ने जा रहा हूं ठीक है प्रश्न संग्रह 2.1 का चौथा एग्जाम्पल है बच्चों देखो वर्ग समीकरण के साथ दिए गए चर का मान इन समीकरणों को मूल है या नहीं निश्चित करें। मतलब यहाँ जो अभी एग्जांपल दिया है पहला एक्स स्क्स एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू तो जीरो एक माइनस एक ये उसका मूल है या नहीं ये हमें जांचना है और दूसरा जो सवाल है वो मैंने यहाँ लिया है देखो बच्चों टू एम स्क्वेयर माइनस फाइव एम एक इज इक्वल टू तो जीरो और यम अब यहाँ देखो चर बदला है मैंने एम बराबर दो और एम बराबर पांच बटे दो भिन्न है फ्रैक्शन है या देखो पहला एम बराबर दो रखने पर तो टू एम स्क्र माइनस फाइव एम में देखो जहाँ यम दिखाई दे रहा वहाँ हमें दो रखना है ब्लू कलर में रखा है मैंने टू गुना टू का वर्ग माइनस फाइव गुना टू इज इक्वल टू टू गुना दो का वर्ग चार माइनस पांच गुना दो दस चार गुना दो आठ माइनस दस प्लस और माइनस भिन्न है चिन्ह तो घटाएंगे दस में से आठ गए माइनस दो तो क्या बचाव टू माइनस टू, टू आया और हमें कितना होना चाहिए बच्चों जीरो होना चाहिए था मतलब ये मूल नहीं है एम इज इक्वल टू टू ये टू एम स्क्र माइनस फाइव एम इज इक्वल टू जीरो का मूल नहीं है भी निकाल सकते बच्चों। ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल ये एक दो मार्क लिए आता ही बच्चों ये। अब दूसरा जो है पांच बटे दो इसके बारे में चर्चा करेंगे <coughs> हाँ सर हाँ बोला सर हाँ ना ओके बच्चों आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप लोग सर से पूछ सकते हो हाँ अमित पूछो बेटा अमित पूछो सर गुड मॉर्निंग सर जी हाँ गुड मॉर्निंग सर वो प्रश्न संग टू पॉइंट का ओ, तीसरा सवाल सर तीसरा का तीसरा सवाल तीसरे का तीसरा सवाल आ, एक मिनट है मैं उधर फिर से जाता है सर, सर स्क्रीन शेयर करूँ भाऊ ah, हाँ करा ना हाँ ah, बस तीसरे का तीसरा हाँ उसमें क्या उसमें नहीं आ रहा था सर थोड़ा वो हल पे नहीं आ रहा था हल क्या था ना वो थोड़ा नहीं समझ आ रहा था जो अभी मैंने हल करवा दिया है तो वही ना हेलो हाँ सर हाँ तो जो हाँ जो वाय था ना वाय जो हर में वाय है ना वाय स्क्वायर

हाँ ओके सर ओके ये वाला देखो यही ना हेलो अमित हेलो अमित अपना माइक ऑन करो अमित अमित अपना माइक ऑन करो हाँ सर ये ये यही सर हाँ इसमें क्या डिफिकल्टी बताओ मुझे मैं बताता है तो ये जो y plus three किया है ना सर ये वो ना y plus two into four y plus one बटे y ये वाला सर हाँ तो ये देखो ना मैंने यहाँ सॉल्व करके दिया था फिर से बताओ क्या ये हाँ सर थोड़ा तो ये देखो ये जो दूसरा जो पॉइंट है देखो वाई स्क्स प्लस वन अपन वाई जो दिख रहा है तो दूसरा y y हर में है. Y किस में है? हर में 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 है 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 किस अंश में नहीं है तो ये जो y है हमें क्या करना है उसको दोनों पक्षों से गुणना है क्योंकि वो बटे में है वो क्या है भाग में है हमें क्या करना है उसे दोनों पक्षों में गुना करना है अगर वो गुना होता तो हम उसको भाग देते तो यहां भाग में हो और हमें क्या करना है इसके लिए उसको गुना करना है दोनों पक्षों अब दोनों पक्षों मतलब कौन से एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड वो कैसे तय करते हैं हम लोग वो बराबर का जो निशान होता है बराबर इज इक्वल टू उसके एक बाजू में जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड तो जो वाई है वो क्या करना है हमें दोनों पक्षों से गुना करना है तो यहां देखो वाई स्क्वेयर गुना वाई किया देखो मतलब पहला जो वाई स्क्वायर है उसको मैंने वाई से गुना किया प्लस वन अपन वाई गुना वाई मतलब जो ब्लू कलर में दिख रहा है तीन जगह दिखेगा पहले में देखो गुना वाई दूसरे में देखो वन अपन वाई गुना वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड टू गुना वाई मतलब यहाँ हर एक पद को कितने पद है टोटल वहां तीन पद है कौन कौन से वाई दूसरा है one upon y, और तीसरा है दो तो ये तीनों को भी हमने क्या किया वाई से गुना किया अब वाई से गुना करने के बाद क्या स्टेप आती है वो नीचे दिए तो यह देखो पहला जो वाई स्क्वायर गुना वाई अब ये जो ब्लू कलर का वाई दिख रहा है उसका घात कितना है अमित हेलो हेलो अमित सुनाई दे रहा है क्या हाँ सांगा सर तुम्हें सांगा हाँ वाई स्क्वायर गुना वाई वाई का जो घात है वो एक है और घातांक के नियम हमें क्या कहते हैं कि अगर आधार सेम है तो उसका जो घात होते हैं उसकी क्या करते हैं हम लोग योगफल करते हैं गुने में तो दो और एक कितना हो गया तीन इसलिए नीचे आया वाई का तीसरा घात प्लस या देखो ऊपर अंश का एक वाई गया और हर का एक वाई कट कैंसिल हो गया इसलिए वहां बचा एक और इज इक्वल टू टू गुना वाई गुड मॉर्निंग सर हाँ बोलो बोलो सर आपने जो सम किए ना वो मैं कर चुकी हूँ ठीक है ठीक है धन्यवाद हाँ लो पूछो बेटा लो हेलो कुछ पूछना चाहते हो हाँ गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर एक मिनट एक मिनट हेलो हाँ पुछो, पुछो। सर ये वाला बताए थे ना एक से, एक से का वर्ग फाइव एक्स सिक्स बराबर जीरो ये वाला नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन कौन सा कितने नंबर का इसमें नंबर नहीं दिए थे जिसका ये समीकरण बारह निकाले थे आपने हाँ हाँ वो हल वाला हाँ एक्स बराबर एक एक्स बराबर दो और एक्स बराबर तीन ये क्या करना है हमें जहा जहा x दिख रहा है आपको जहा जहा दिखाई दे रहा है वह आपको क्या करना है एक्स बराबर एक रखना है मतलब एक्स का मान एक्स को हटा के क्या करना है वह एक रखना है क्योंकि एक्स का मान क्या लेने वाले हम लोग एक याद देखो तो जो समीकरण है हमारा वो क्या है एक्स वर्ग प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स तो एक्स वर्ग है तो एक्स के बदले क्या रखना है एक इसलिए एक का वर्ग होगा प्लस पांच पांच और और इसके बीच में कौन सा चिन्ह होता है गुने का इसलिए पांच गुना एक जो ब्लू कलर में दिखाए है वो मैंने मान रखा है एक प्लस छ उसके बाद एक का वर्ग कितना होता है एक ही होता है पांच गुना एक पांच गुना एक पांच और बचा लास्ट वाला प्लस छ और ये सबको जोड़ा जाए तो कितना आएगा पांच और ग्यारह और एक आया समझ में पूछो सर इसके बाद वाला हल मूल्य दूसरा वाला जो बताया तो उसका लास्ट था समझ में नहीं आया इसके बाद वाला? हाँ, पूरा मान रख दिया उसके बाद किसी किया यही हल मूल वाला सेकंड वाला, वाला सेकंड सेकंड वाला ओके एक्स बराबर टू वाला ना हाँ हाँ ये वाला है देखो हाँ एक्स बराबर माइनस टू रखने पर अभी यह माइनस टू एक्स के पहले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था एक्स बराबर एक रखा था अभी क्या करना है एक्स बराबर माइनस टू रखना है या देखो x वर्ग प्लस 5 uh, 5x प्लस 6 ये हमारा मेन वर्ग समीकरण है इसमें क्या करना है अभी जा ब्लू कलर देखा देखो या मैंने ब्लू कलर में लिखा है वो मान रखा है मैंने वहां तो x वर्ग x वर्ग यानी x का मान कितना है minus -2 इसलिए देखो या minus -2 x का वर्ग था इसलिए उसका वर्ग हो गया प्लस पांच गुना x यानी गुना है 5 गुना फिर से ब्रैकेट में -2 और प्लस सिक्स लास्ट में मतलब जो मैंने मान रखा है वो ब्रैकेट में और ब्लू कलर में रखा है इसके बाद सर एक मिनट हाँ। माइनस टू का जो वर्ग है वो कितना हुआ देखो यहाँ माइनस टू का वर्ग प्लस चार पांच गुना माइनस टू गुना किया तो माइनस दस आया और लास्ट वाला प्लस सिक्स या प्लस सिक्स इसके बाद आप कैसे भी प्लस सीधे से करो पीछे से करो कैसे भी करो आपको दस माइनस दस ही, ही आएगा चार में से देखो दस जाएगा नहीं तो दस में से चार जाएगा तो कितना आएगा माइनस छ आएगा माइनस छ प्लस छ जीरो ही आएगा और यह कैसे किया है छ और ये चार दस और ये माइनस दस दस में से दस गए जीरो इसलिए ये हमारा आंसर कितना आया है यह जीरो और पहले सवाल में कितना आया था बारह तो हमें आंसर कितना होना चाहिए जीरो क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड क्या है जीरो है इसलिए ये वर्ग समीकरण का मूल या रूट है समझ में आया हाँ सर गुड मॉर्निंग सर हाँ गुड मॉर्निंग तो ये x square plus one upon y equal to two वाला मतलब उसमें सकती है मल्टीप्लाई भी करके निकाल सकते हैं ना मतलब हाँ शाबाश हाँ कैसे भी हाँ बराबर बराबर तिर तिर्यक भी कर सकते कर सकते हो बराबर शाबाश <coughs> चला सर ठीक है ना हाँ हाँ एक मिनट हाँ रोशन पूछो जल्दी पूछो अगला पीरियड शुरू हो रहा है अभी सर जो आपने वो वर्ग समीकरण का हाल बताया वो नहीं समझा मुझे हल हाँ। मुझे बताओ पहले दो अप, दो साइड होते हैं बराबर एक राइट हैंड yes. साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड होती ना यस yes, सर तो राइट हैंड साइड हमारे हमेशा कितनी होती है ही होती है जीरो हाँ ही होती है और लेफ्ट हैंड साइड जो है वर्ग बहुपद उसमें x का मान जो दिया गया है वो उसमें रखना है वर्ग करके प्लस करके उसका अगर पूरे का आंसर लेफ्ट हैंड साइड का अगर मान जीरो आया तो हमारा वो वर्ग समीकरण का हल होता है क्योंकि हमारी राइट साइड क्या होती है जीरो मतलब दोनों तरफ जीरो जीरो आना चाहिए ओके okay? धन्यवाद सर धन्यवाद बहुत oh, ही अच्छा प्रेजेंटेशन किया सर आपने धन्यवाद ठीक है